भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और उत्तर बिहार लोकसभा चुनाव के प्रभारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि शीतकालीन सत्र में पूर्वांचल के लिए नया कानून बनने वाला है, जिसका सीधा असर सीमांचल के लोगों पर भी देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता शामिल नहीं होंगे, जबकि गठबंधन के सभी दलों को निमंत्रण दिया गया है। इससे कांग्रेस की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाज़ा बंद है, लेकिन इंडिया गठबंधन बिखरने वाला है, इतना तो कहा ही जा सकता है। सब आप सभी मीडिया बंधुओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे विधान पार्षद, साथ ही बिहार को लोकसभा चुनाव को लेकर के दो भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो हमारे दक्षिण बिहार के संयोजक के रूप में उत्तर बिहार के संयोजक के रूप में हमारे विधान पार्षद हमारे अभावतुल बड़े भैया राजेंद्र गुप्ता जी को दिया गया है, जिसमें हम लोग आने वाले 2024 संगठन के गठन करते हुए और हम लोग आने वाले लोकसभा को बहुत बेहतरीन स्थिति में बना करके ले जाए। कल हमारे जिले में कोर कमेटी की बैठक भी हुई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे बीच में हमारे बीच में उपस्थित है, जो बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको देंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बिहार की कानून व्यवस्था इतनी गिर गई कि अब 90 के दशक को ही याद दिलाता है। पटना जैसे शहर भी अब सुरक्षित नहीं है। बीच के कालखंड में सुधार आया था, लेकिन आज यदि हम बात करते हैं तो समाचार पत्र में ही जो न्यूज छपता है, आपके द्वारा जो दिखाया जाता है टीवी पर, तो वो तो ऐसी घटनाएं हैं जो थाने के भीतर रिपोर्टेड है या आपके कारण, आपके प्रयास से कभी उजागर हो गया तो वो थाना में दर्ज हो गया, लेकिन यह संख्या अपने आप में तो वैसी है, लेकिन उससे कई गुना अधिक इस राज्य के भीतर घटनाएं घट रही हैं। कुछ हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोषी दबंग व्यक्ति है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है। ये एक बड़ी खराब स्थिति बनी है और विशेष करके देखेंगे कि ये शराब बालू एक तीसरा व्यक्ति समाज भी खड़ा हो गया है, वो है नशाखोरी का। इस राज्य के भीतर ये तीनों जो गिरोह है, बालू का, शराब का और नशाखोरी का, ये बड़े द्रुत गति से अपना प्रभाव बढ़ाया है। पिछले दिनों काराओं का अध्ययन करने के लिए मैं घूम रहा था तो जेल के भीतर जो युवा था, किसी अपराध में पकड़ा करके आया, तो उन लोगों से जब मेरी बात होती थी तो उसमें प्रायः युवा, एक अंदाज से हम कह सकते हैं कि 80% युवा जो जेल में कैदी के रूप में है, वह नशाखोरी और शराब के ही अपराध में जेल आया है। बिहार के सभी स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर धड़ल्ले से नशा सामग्री बिक रही है और पुलिस मुखदर्शक बन के बैठी हुई है। पिछले दिनों पटना के भीतर इस अपराध में जो संलिप्त हैं,
जिनका नाम उजागर हो रहा है, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, और उसका स्पष्ट कारण यह है कि कहीं ना कहीं सत्ता का उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये नशा का जो स्थान है वह भी बड़ा पुरजोर तरीके से अपने समाज में फैल गया, जिसका बड़ा नुकसान होगा। ये दो विषय मेरा था। तीसरा, 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उस दिन तो संपूर्ण देश में सभी मंदिरों में दीपोत्सव होगा ही, सभी घरों में भी होने वाला है। लेकिन उसके पूर्व कल से यानी 15 तारीख से अपने यहाँ के सभी मंदिरों का स्वच्छता अभियान भी चलेगा, और ये 7 दिनों तक चलने वाला है, यानी 22 तक इसको हम चालू रखेंगे। वहाँ का स्वच्छता, वहाँ का थोड़ा रख रखाव, फिर उस मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, ये कल से शुरू हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी भी कल कहीं एक जगह करेंगे यहाँ पूर्णिया में, उसके अतिरिक्त सभी मंडलों में मंडल अध्यक्ष वो इस कार्यक्रम को चालू करेंगे, और फिर ये चलेगा 22 तक। अब आप लोग को कुछ पूछना हो तो इसकी संभावना नहीं है, इसकी संभावना नहीं है, ये आज हम कह सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना पूरी है कि वो इंडिया अलायंस जो है वो बिखरने वाला है, जो राहुल गांधी की पदयात्रा में दिखेगा, बिहार में आ रहे हैं, दिखेगा। और नीतीश जी स्वीकार नहीं किए, क्यों नहीं किए ये तो वही स्पष्ट बता पाएंगे, लेकिन सामान्य जनता यही मानती है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने गए थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने तो संयोजक का पद लेकर के किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाए, ये तो उस अलायंस में है नहीं, इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अभी आप कहे तो हमारा गठबंधन तो है यहाँ, माननीय जीतन राम मांझी जी से है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से है, अब नीतीश जी को स्वीकार करना नहीं करना ये मेरे लेवल का तो विषय नहीं है, इसीलिए भविष्य में क्या होगा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट एक मत अपना प्रकट किया है कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, तो इस विषय में हम न बोलने के लिए अधिकृत हैं, न कुछ आकलन ही किया जा सकता। इस पूरे पूर्वांचल के लिए, जिसमें सीमांचल भी है, बिहार का सीमांचल पूर्वांचल है, भारत का पूर्वांचल वो 7 प्रांत है, तो हो सकता है कि ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए जिधर आपका इशारा है। अब ये तो समय बताएगा, ये तो समय क्या वो तो पहले ही हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे मेरा चुनावी मुद्दा तो है ही, हमेशा रहा है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात तो हमने हमेशा किया है, इसीलिए इस चुनाव में भी वो मुद्दा रहेगा ही। हमने कहा कि भाई अब अंतिम इस शासन का, चुनाव का अंतिम सेशन है, अब उसमें
कुछ तो ऐसे निर्णय होंगे जो इस देश के लिए उपयोगी साबित होगा। अब क्या होगा, अब ये देखा जाए। एक खुशखबरी है आपके, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशियों से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में, इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।